गाइस, वेलकम माय चैनल। तो आज मैं अपना सेकंड ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं अपनी बहनों को भी खिलाने के लिए आ रही हूँ छोले पूरी। वो मेरी बहनें बैठी हैं, ये चलो उनको खिला के फिर मिलते हैं। के सारे बच्चों ने खाना खा लिया है, अब मैं अपनी जेठानी के लिए ऊपर खाना भिजवा रही हूँ, उनकी थाली तैयार कर रही हूँ। अभी उनकी बेटी उनके लिए लेके जाएगी। बोले अभी अभी दूध आया है, वो बॉईल होने में रख दिया है और यहाँ पूरी सीख रही हूँ। ये थाली लग चुकी है उनकी, गरम गरम पूड़ियाँ सब्जी और ये रोटी है। वो ज़्यादा तेल का नहीं खाती इसलिए उनके लिए रोटी भी बनाई। अब मेरे को भी भूख लगी हुई है, सबको खिलाते खिलाते। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है छोले पूड़ी। हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं डालते हैं इसलिए बिना प्याज लहसुन का हमने बनाया है। इसका मैंने सॉस भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप लोग देखिएगा। मैं खा के देखती हूँ कैसा बना है। बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। अब खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अब पूरा काम करने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ। ये सारे बच्चे घूम रहे हैं, देखिए उछल रहे हैं। आज एकादशी थी तो आज पापा और मम्मी का उपवास रहता है, उनका उपवास रहता है, इसके कारण आज फल वगैरह चढ़े हुए रहते हैं। उसके कारण उसको लेने के लिए इन लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये मैं लूँगी कर रहे हैं वो। ये लोग बस लड़ाई करते रहते हैं। ये देखिए, इसको मिल गया है ऑरेंज, ये ऑरेंज छील रही है। अब ये भी खाएगी और थोड़ा सा मैं भी उससे ले लूँगी। वैसे पापा तो मना करते हैं कि जो कन्याओं का है वो कन्या खाएंगी, पर हम भी एक कन्या ही तो हैं। तो दिन भर के काम के बाद अब मैं बैठी हूँ, अब थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ी देर से फिर बच्चे कोचिंग के लिए जाएंगे और फिर आएंगे 5 बजे, तब फिर मैं चाय वगैरह बनाऊँगी, सबको दूँगी। और आज उपवास था मम्मी पापा का, तो खाना भी बना और फलाहार भी बना। मम्मी अभी गई हुई है हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी देवरानी का ऑपरेशन हुआ है तो वो भी हॉस्पिटल में, तो उसके पास कोई नहीं था तो मम्मी गई हुई है। और मेरे को घर में बच्चों को देखना रहता इसलिए मैं घर पे थी और काम के लिए। चाय में डालेंगे, मस्त ठंड में अदरक वाली चाय पियेंगे और आपको भी पिलाएंगे, आप बताइएगा कैसी बनी है। ये देखिए अपनी चाय खोलेगी, मस्त गर्मा गर्म चाय। आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। दिखाओ, ये देखिए हमारी चाय बन गई है, खोल रही है मस्त गर्मा गर्म चाय। अब ये चाची कप लेके आ रही हैं छानने के लिए चाय। अभी गुड़ वाली चाय निकाल, अभी गुड़ वाली चाय निकाल रही हैं चाची। गुड़ तो क्या कूदना पड़ेगा, गुड़ लाइट बहुत आ रही है। कहाँ है चाची? ये गुड़ निकाल रही हैं और अभी यहाँ पे ये चाय बन रही है, कुछ देर में कप में जाएगी सारे कप में, और फिर सर्व करके आऊँगी मैं। एक पेपर ले ली, ये गुड़ है तो चाची कूट रही है चाय में डालने के लिए। बाबा ले लेंगे गुड़ वाली चाय जो पास है। बाबा पी लेते हैं। डाल दी हमने चाय में, ये तो बिल्कुल गुड़ वाली चाय नहीं पसंद, शक्कर वाली इज द बेस्ट। तो ये देखिए ये गुड़ डब्बे में ख़त्म हो गया है पूरा, तो ये ना घूट घूट के भर रही है। वो कुटा हुआ रहता तो जल्दी यूज़ हो जाता है और ऐसे में तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने इससे बोला इसको कूट के इस पर भर दे, तो वही कर रही है। वैसे कोई काम तो करती नहीं है, ऐसी मटर है ना, कुछ तो करे कम से कम, वीडियो बहाने के बहाने मतलब काम कर रही है, नहीं तो कुछ नहीं करती है लड़की। बच्चे नहीं रहते घर में तो कितना सुना लगता है। अभी सब कोचिंग गए हुए हैं, अब मैं अकेली हूँ। अभी पापा को चाय बना के दी हूँ, हम लोग सब पियेंगे जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद। एक्चुअली चाय हमारे यहाँ बनती है 5:30 बजे करीब, पर आज पापा जी का उपवास था, उन्होंने बोला चाय बना दो, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और सभी की बना के मैंने रख दी, अभी 4 बजे सबको दे दूँगी। बच्चे आएंगे 4:30-5 बजे तो वो पी लेंगे, तभी हम लोग भी पियेंगे। बच्चे नहीं रहते घर में तो कितना सुना लगता है। अभी सब कोचिंग गए हुए हैं, अब मैं अकेली हूँ। अभी पापा को चाय बना के दी हूँ, हम लोग सब पियेंगे जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद। एक्चुअली चाय हमारे यहाँ बनती है 5:30-5 बजे करीब,
पर आज पापा जी का उपवास था, उन्होंने बोला चाय बना दो, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। वो सभी की बना के मैंने रख दी, अभी 4 बजे सबको दे दूँगी, बच्चे आएंगे 4:30-5 बजे तब वो पी लेंगे, तभी हम लोग भी पियेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने चाय पी ली है, बच्चों ने भी पी ली है, पर मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो अब मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ यहीं पे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और मुझे लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा मेरे को कि मैं आगे बढ़ूँ। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा।